मतलब आप ये सोचो कि अगर आपकी सरकार है तो आप क्या कर सकते हो, ये उसका नतीजा है। सच में यार दिल से बुरा लगता है जब मैंने सीएनजी के लिए अपनी डिग्गी खत्म कर ली। बहुत वायरल हो रहा है। ज्यादा मजे मत लिया करो मेरे। गुड मॉर्निंग जानू, सुबह के 8:27 बजे हैं। इस समय ग्वालियर में तापमान 13 डिग्री है और काफी धूप रहेगी। आज अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 13 के अनुमान के साथ धूप खिली रहेगी। हे गूगल, मैप्स पर मेनपुरी का रास्ता दिखाओ। मैं गूगल मैप्स निर्देशन और सार्वजनिक परिवहन खोल रही हूँ। ये इलाका जो है ना भिंड है, और है ना ये जो पूरा डाकुओं के लिए बहुत फेमस है और बहुत खतरनाक जगह है, और खासकर ये रोड बहुत खतरनाक है। देख रहे हो कितने ट्रक चल रहे हैं, और हम जस्ट यहाँ रुके थे कि थोड़ा जैकेट वैकेट उतार लें। इतनी देर में भी हमें ना यहाँ घबराहट होने लग गई, निकल लो यहाँ से। जब हम आ रहे थे ना तो हमें रास्ते में यहाँ बहुत सारे ट्रक और कार पलटे हुए नजर आए, और ये रोड सच में बहुत खतरनाक है। तो हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे इस रोड से नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइडर नहीं है बीच में। और चलो तुम्हें हल्की सी पूजा करा दें। हाँ कर लेते हैं। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, ये पूरा भीड़ का इलाका है, और यहाँ पे ना इतना खतरनाक है ना कि अगर यहाँ 100-200 हाथी भी अगर आप छोड़ दोगे ना तो आपको मिलेगा नहीं। 10 हाथी को रख दोगे ना वो भी डूब जाएंगे। हम मेनपुरी पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन हमें रास्ते पे तक क्या दिखा, यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है। और जब हमने थोड़ा सा और पता किया ना, तो ये गांव जो है वो सेफाई है, सेफाई गांव है, और यहाँ पर मुलायम सिंह का घर है, जो सपा पार्टी के जो जिन्होंने बनाई है सपा को, उनका यहाँ पे घर है, और उन्होंने ही यहाँ पर है ना इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया है, ताकि ये गांव जो है वो अलग लेवल का डेवलप हो जाए। जब यहाँ निकले ना कुछ गजब का ही दिख रहा था यार वो यहाँ पे। वैसे लग रहा है ये देखने से ये गांव है। नहीं गांव तो नहीं, अब तो गांव बचा ही नहीं ना यार, जब यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम है तो फिर गाँव तो है ही नहीं, ये तो शहर है ये तो। फिर तो भाई साहब ये देखो आप सामने गजब का नज़ारा है। मतलब आप ये सोचो कि अगर आपकी सरकार है तो आप क्या कर सकते हो, ये उसका नतीजा है। मतलब एक छोटा सा गांव जहाँ कोई किसी को जानता भी नहीं होगा, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम बना हुआ है, और शानदार चीज़ है ये। और क्या यहाँ कब से मैच नहीं हुआ होगा, लगभग 15-20 सालों से शायद मैच नहीं हुए, शायद अखिलेश सरकार में हो गए। या इनसे पूछिए मैच कब हुए, बता देंगे, बता सकते हैं इनके बारे में। वीडियो मत ले, ऐसी पूछ ले। सरकारी आपसी मतभेद हैं इसलिए ये देखिए अभी किस हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, शानदार गजब का। और सेफई गाँव भाई साहब, ये सही बात है यार, सत्ता आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। भाई साहब भूल के बात करना, सैफई गांव में है, देखो फॉर्च्यूनर खड़ी है। वो फॉर्च्यूनर सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है भैया, और लोग एक और आ रही है वो भी लग्जरी है। यादव जी के घर गांव में कितना अंदर है, अंदर थोड़ी दूर है, हाँ हो सकता है जो वो नहीं है, क्या नाम है भाई साहब, गाड़ियों का काफिला देखो पूरा यादव जी का घर का है। अरे इधर से जाइए, गजब का जलजला यार गाँव में तो होना भी चाहिए यार, इनका नहीं हो तो किसका होगा, इनका होगा, सही बात है।
ये आप देख रहे हो, ये जो है ना घर की एंट्री है, और ये घर की एंट्री मतलब घर यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ से बहुत दूर जाके घर स्टार्ट होता है। ये सिर्फ एक चेक पॉइंट टाइप का बना रखा है, यहाँ से हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये अखिलेश जी का घर है, और गूगल मैप से मैं आपको पॉइंट करके दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हैं हम लोग इस वक्त। बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है ये, और अगर ये सपा की सरकार और रहती तो मुझे लगता है ये गुड़गांव जैसा हो जाता। अरे गजब, मतलब और आपको क्या बताएं इससे ज़्यादा। हवाई पट्टी है, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं यहाँ पे, विश्वविद्यालय हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम है, तो बहुत बेहतरीन डेवलप है ये। तो ये देखो हम आ चुके हैं मेनपुरी, और मेनपुरी से जा रहे हैं हम किसी के घर। पता बहुत काम चलेगा तब तक घर में। अच्छा वो टूट गया था आपने कही तब तक जे नी भर गई जा नी भर गई। तो देखो हम आए हैं यहाँ पे भास्कर के घर पे। कैसे हो भास्कर? बढ़िया। कहाँ तुम वीडियो कहाँ शूट करते हो? वो रूम है उधर वाला। ये ऐसे ताक रही है वैसे जैसे हमको जो है ना उनको उपदेश देने वाले। जो बोल रही कैमरा वाले अंकल आ गए हैं जरा। देखो देख देखो मुंह तो देखो इनके, देखो गाना गा रही कैमरे वाले के वीडियो बना ली। बहुत कुछ कांड हो गए थे बीच में, तो हमें सारा मतलब टाइम इतना निकल गया, पूरी रात हो गई बाहर देखोगे आप तो। और ये जो है ना, ये भास्कर का एक छोटा सा स्टूडियो है जो उसने बहुत मेहनत से बनाया है, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। और भास्कर यूट्यूब चैनल भी चलाता है, और यहाँ ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है। ग्रीन स्क्रीन का आइडिया कहाँ से आया तुम्हारे पास? ग्रीन स्क्रीन मुझे पहले से ही पता, 3-4 पहले से कि ग्रीन स्क्रीन होती है। नहीं नहीं लगानी है, ये कैसे सोचा, क्यों लगाई? नहीं अब थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज किया है ना, तो उसके लिए ग्रीन स्क्रीन बहुत जरूरी है। ये क्या बहुत टाइप टाइप की वीडियो बनाता रहता, देखोगे ना पहले क्या कॉमेडी वीडियो बनाता था। हाँ वाइंस वगैरह, और अभी ये कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आने वाला है न्यूज़ वाला, वो अभी डिस्कशन होगा भैया के साथ में। तो यहाँ से कंप्यूटर है, देखो कंप्यूटर। कंप्यूटर कब लिया? ये पिछले साल लिया था आपसे ही राय लेके। अच्छा अच्छा। बीएम मेड भाई भास्कर भास्कर मेड भाई भास्कर। तो यहाँ पर देखो खूब सारी लाइटें लगा रखी है इसने, और यहाँ ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है। कल हम लोग जा रहे हैं संकिसा। संकिसा है ना कितना दूर है यहाँ से? 25 मान लो, 15 अभी रास्ते तो 14 बोल रहा था। 25 अब सुबह 50 निकलेगा। यूपी है यूपी, पग पग पे ऐसे लोग मिलेंगे। तो कल हम मिलते हैं संकिसा में, और आज भास्कर के साथ थोड़ी बैठ के डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या करने वाला है वो, आगे कुछ आइडिया वाइडिया देते हैं। ठीक है भास्कर, ताई से बुलाओ है। बहुत जल्दी आए हैं भैया, पूरे 5 महीना बाद। चलो ठीक है, फिर कीप सपोर्टिंग। कीप सपोर्टिंग।